सब्सक्राइब कीजिए शब्द सम्राट न्यूज चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, शब्द सम्राट न्यूज में आपका स्वागत है। एक ही समय में गुरु शिष्य का विश्व रिकॉर्ड। गुरु ने कीलों की शैया पर लेटे और ऊपर से गुजर गए 503 बुलेट। शिष्य ने 515 मार्बल की टाइल्स तोड़कर बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। शिडोकान इंडिया वर्ल्ड कराटे एसोसिएशन शिडोकान जापान द्वारा संबद्ध कराटे संगठन के द्वारा गुरुवार शिष्य ने 2 विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। पहला संगठन के अध्यक्ष श्रीहान श्रीनिवास राव ने किया, वही दूसरा रिकॉर्ड उनकी शिष्या हर्षिता परशुरामी ने किया, जिससे तमाम डोंबिवली उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। डोंबिवली के जोशी महाविद्यालय के प्रांगण में वर्ल्ड कराटे एसोसिएशन द शिडोकान कराटे इंडिया द्वारा आयोजित इंडियन समर कैंप व सेमिनार में शिडोकान कराटे इंडिया का 2 रिकॉर्ड बना। पहले रिकॉर्ड में संगठन के अध्यक्ष श्रीहान श्रीनिवास राव ने खेल से बनी शैया लेटे और ऊपर से भी खेल से बनी चादर ओढ़ लिया। उसके बाद एक एक करके 503 बुलेट उनके ऊपर से गुजर गई। ये रिकॉर्ड बनाने में महज 11 मिनट 45 सेकंड लगे। इससे पहले राव ने ही यह रिकॉर्ड बनाया था, जिसमें 101 बुलेट का रिकॉर्ड बना था। आज वह अपना रिकॉर्ड खुद तोड़कर 503 बुलेट का नया रिकॉर्ड बनाया है। वहीं दूसरे रिकॉर्ड में संगठन के अध्यक्ष श्रीहान श्रीनिवास राव की शिष्या हर्षिता परशुरामी ने 2 मिनट 56 सेकंड में 515 मार्बल की टाइल्स तोड़कर एक नया रिकॉर्ड बनाया। हर्षिता महज 13 वर्ष की है। हर्षिता को यह रिकॉर्ड बनाने के कई वर्षों तक कड़ा परिश्रम करना पड़ा है। इस उपलब्धि को हासिल करने के बाद हर्षिता के माता पिता बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि उनकी बेटी हर्षिता ने शहर के साथ साथ हमारा भी नाम रोशन किया है। गणपती बाप्पा वन
515 टाइल्स थे, 2.57 मिनट्स में तोड़ा। तैयारी मेरे एक डेढ़ साल से चल रही थी। एक्चुअली सब हुआ है वो सर की वजह से, तो स्पेशल थैंक्स टू सर अंगी। और सॉफ्ट से हार्ड तक ऐसे चालू किया था, जैसे सर ने बोला पंचिंग बैग पे पहले मारा, पर डे 500 बोला था, तो फिर वैसे प्रैक्टिस करते गए। फिर उसके बाद 1000 पेजेस की बुक रहते ना, तो उस पर हिट किया। फिर उसके बाद वुडन प्लैंक, ऐसे करके धीरे धीरे बढ़ाए, और फिर वो वैसा हाथ स्ट्रांग हुआ, और अभी हुआ है वो सब इसकी वजह से। आगे और रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है? हाँ सर, बहुत है। कैसे? अभी बहुत प्राउड फीलिंग हो रहा है, और ऐसे लगता है कि आगे भी और बना सकूँ सर की वजह से। सर जैसा तैयार करेंगे वैसा मैं होगी, और सब सर के इस है। देखिए वैसे तो मैंने 93 में जो बेयर नेल्स वाला जो है वो 93 में 101 किया था, और उस टाइम में 5 मिनट 2 सेकंड में ख़त्म किया था। उसके बाद फिर 99 में जो किया, 99 का 101 बुलेट किया था विथ नेल्स वाला, वो वाला 5 मिनट 7 सेकंड लगा था, बैठ गया बेटा। और उसके बाद अभी ये जो किया हूँ, ये करने के कारण है मेरी एक छोटी बच्ची है 14 साल की, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है, तो उस वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए मैंने काफ़ी मेहनत लिया उसका, लेकिन थोड़ा उसमें कॉन्फिडेंस का वीकनेस दिख रहा था, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद ये काम करूं, ताकि मुझे देख के उसको जोश आएगा, और वाकई वो पुल अभी जोश में है और वो अब अपना कमाल दिखाएगी। इसके लिए मैंने जो प्रोग्राम किया, मैंने सोचा था कि 101 तो बहुत बार कर चुका हूं, कम से कम 501 ऐसा करूं जो पहले का जो रिकॉर्ड मेरा आज तक नहीं टूटा, तो ये रिकॉर्ड ज़िंदगी में कोई ना तोड़ पाए, इसके लिए मैंने ये स्टंट किया। कितने साल की तैयारी है और इसमें कितने नेल्स? नेल्स का तो देखिए, अगर मैं काउंट तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन टोटल मिला के 22 किलो नेल्स लगा उसके अंदर, 22 किलो नेल्स लगा है। और तैयारी बोलेंगे तो देखिए, मेरा 48 ईयर्स का ट्रेनिंग ये है जो अब मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, तो वो 48 ईयर्स का समझ लीजिए तैयारी है मेरा ये, मैं हर एक चीज़ करते रहता हूँ इस तरह से। बच्चे, तरुण या ऑल एज के बुजुर्ग हैं, उनको आप एक क्या संदेश, एक मैसेज क्या दोगे? मैसेज बहुत सिंपल और सादा है साहब। देखिए, ज़माना आजकल बहुत ख़राब है, और आपको आए दिन कुछ ना कुछ इंसिडेंट सुनने को मिलता है, और हमारा मेन उद्देश्य यही था कि हिंदुस्तान के हर बच्चे, हर महिला, हर लड़कियाँ, हर लड़के इसका सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग ले, ना कि प्रॉपर सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग ले, और अपना तो आत्मरक्षा करे इस करे साथ, तो परिवार के साथ समाज का भी रक्षा करे, ये मेरा मेन उद्देश्य है। इसके लिए मैं ज़्यादातर छोटों बच्चों को ही मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ, उनको ट्रेनिंग देते रहता हूँ, और मेरे हर स्टेट से भी आए हुए जो बच्चे हैं और बड़े लोग जो हैं, उनका भी यही उद्देश्य है कि भारत को हम लोग को स्ट्रॉन्ग बनाना है। आगे भी डोंबलीकर या फिर बाकी लोगों को इससे बढ़कर रिकॉर्ड देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, 100% हमारा एक टारगेट बनाया है कि हम हर साल में 2 रिकॉर्ड देंगे, हर साल में 2 रिकॉर्ड देंगे, चाहे ऑल इंडिया के कोई भी स्टेट का हो। ये आप करेंगे या बच्चे करेंगे? मैंने अभी ये, हाँ ये मैं डिक्लेयर कर देना चाहता हूँ, ये मेरा अंतिम रिकॉर्ड था, क्योंकि अब मेरे 59 एज का हो गया हूँ, इसलिए मैंने ये सोचा है कि अब मैं रिटायरमेंट लूँगा इससे, अब खाली बच्चों को बनाने में और उनको रिकॉर्ड होल्डर बनाने में पूरा फोकस करूँगा। आपका पूरा नाम?